हाँ सर, तो पावर क्वेरी की क्लास में हमने अभी तक जाना किस तरीके से हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस से, राइट। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि डेटा हमारा टुकड़ों में। तो हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर फाइल, बहुत सारे फाइल्स थे और फाइल्स पे हमने डेटा को लिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक ही फाइल में कई सारे शीट्स का डेटा है, तो सारे शीट्स का डेटा हम कैसे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कुलेक्ट करेंगे, राइट। तो इसके लिए फाइल मेरा यहाँ पे एमसी सेव है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्रॉम एक्सेल फाइल लोकेशन में जाऊंगा। पहली बार थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद हमने अपने फाइल एमसीट को सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक किया। इंपोर्ट पे करते, जब किसी फाइल को इंपोर्ट आप करते हैं तो सिर्फ उसका एक पहला ही शीट नहीं, पूरा का पूरा शीट यहाँ पे शो होता है। अब फिलहाल तो आप एक शीट ले पा रहे हैं क्योंकि तो आपने यहाँ मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक नहीं कर रखा है। तो आपने मल्टीपल आइटम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने डेटा आएगा। अब मैं जो जो सीट मुझे चाहिए डेटा, उसको मैं क्लिक करते जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। शीट सिक्स में तो चाहिए ना, शीट सिक्स को मैंने नहीं किया क्योंकि इंटरटी है। तो हमने 1 to 5 को कर लिया। अब मैं इसको लोड या लोड टू करूंगा तो ये आप देखेंगे कि 1 से लेके 5 अलग अलग शीट पे डेटा आपको आ जाएगा। 5 अलग अलग शीट पे डेटा आपको आ जाएगा, राइट। यहां हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोड टू करेंगे। क्या करेंगे, लोड टू। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एवलेट कर रहा है, मतलब चेक कर रहा है रिलेशनशिप वगैरह, ट्रांसफॉर्मिंग वगैरह चेक कर रहा है, तो सारे शीट को चेक कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन, बाय द वे टेबल आएगा, टेबल करेंगे तो 5 अलग अलग टेबल आ जाएगा, नहीं। मैं ओनली क्रिएट कनेक्शन किया और देखिए ऐड डेटा डेटा मॉडल ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो जाता है। तो ओनली क्रिएट क्रिएशन में हमने कनेक्शन पे क्रिएट किया तो अभी डेटा नहीं आया, सिर्फ कनेक्शन क्रिएट हुआ है। क्योंकि मुझे अलग अलग डेटा नहीं चाहिए, पांचों का क्या चाहिए, कंबाइन डेटा चाहिए, ठीक है। तो राइट क्लिक करके जो इस पे लोडेड है इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ जस्ट एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करते ही आपको आ जाएगा पावर क्यूरी। पावर क्यूरी में यहाँ आपको दिख रहा है अपेंड डेटा, दिख रहा है। अब यहां पे ध्यान के अपेंड क्यूरी पे क्लिक कर दीजिएगा ना, तो ये सीट वन एसी के नीचे ऐड करता चला जाएगा, लेकिन मुझे एक अलग चाहिए। तो यहां अपेंड क्यूरी पे जाके मैंने अपेंड क्यूरी एज ए न्यू पे क्लिक किया। अब यहां पे 3 more sheets पे लिए। अब मैं 1 by 1 सारे शीट्स को एक के नीचे एक ऐड करते जा रहे। ध्यान रखिएगा सबका हेडिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो 5ों सीट पर डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे हमने कर लिया, देन ओके करते हैं। अब आप देखिए यहाँ मेरे पास 5ों सीट का डेटा यहाँ पे कंबाइंड होके आ गया, ठीक है सर। अब अपेंड का नाम जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिनेम कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ ऑल डेटा, ऑल डेटा कर दिया। अब बस इसको लोड एंड क्लोज कर दीजिए। यहां पे देखिए 5ों सीट का डेटा आ गया। और डेटा आया ही नहीं, ये डेटा आपस में लिंक भी है। जैसे मान लीजिए मैं सीट वन पे गया और पूजा के जगह, यहाँ पूजा लिखा हुआ है, इसके जगह पे मैं पूजा सिंह कर देता हूँ। अब यहाँ ऑल डेटा में आपको क्या करना है, ये देखिए आपका यहाँ पूजा आ रहा है, जस्ट रिफ्रेश कीजिए, आपका यहाँ पे पूजा सिंह हो जाएगा। और इसलिए यहाँ देखिए नहीं हुआ,
सॉरी, मुझे यहाँ डेटा में जाना होगा, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना होगा, क्योंकि ये डेटा तो इस सब को कंबाइन कर रहा है ना। तो सीट वन जब तक रिफ्रेश नहीं होगा तब तक आपका ये ऑल डेटा रिफ्रेश कर देगा। सारा रिफ्रेश हो रहा है, दिख रहा है आपको सर? ठीक नहीं है। ओके एक बार से सेव करता हूँ, सेव नहीं है। अब शायद रिफ्रेश करने पे पूजा सिंह आ गया सर। तो बेसिकली सेव नहीं था, हमें सेव करना होता। ठीक है, समझ में आया आप लोगों की नहीं सर? हाँ सर, तो पांच अलग अलग सीट को हमने कंबाइन किया हुआ है। अब लेकिन यहां सर पे पांच, लास्ट, क्या बोले हेलो सर? सर, यस्टरडे आपने बताया था कि ये कौन से फाइल से आया है वो हाईलाइट करता है, तो वो कहाँ पे हो गए इसमें? ये समझे नहीं क्या बोला आपने? हाँ नहीं, डाटा हमने जो पढ़ा कि ना, मतलब आपने बताया उसमें वो डाटा सोर्स कौन से फाइल से वो दिख रहा था पावर क्वेरी में, तो अभी कल मैंने इसमें वो बताया था नहीं। आपको कि एक फोल्डर से कैसे पूरी के पूरी डेटा लेंगे, समझ गए ना? आज हमने बताया आपको कि एक सीट पे ही आपको कई सारे डेटा है तो कैसे लेंगे। अभी यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लीजिए फोल्डर आपके आपके पास फोल्डर में नहीं सीट में डेटा है, तो क्या करेंगे कुलेट करने के लिए? अभी हमने जो अभी जो कुलेशन किया है ना सर, वो कुलेशन किया है फाइल से, फ्रॉम फाइल से किया है ना सर। तो फ्रॉम फाइल से करने से प्रॉब्लम क्या हुई कि एक एक पाथ से, दिख रहा है आपको यहाँ पे एक पाथ से लिंक है, समझे? कल के अब आपको इस फाइल भेजूंगा तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि आपके पास और पूरा पास होगा तभी ना, समझे कि नहीं? क्योंकि हमने क्या किया था, हमने फ्रॉम फाइल पे जाके एक पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट किया था एक लोकेशन में, और फाइल भले ही जिसमें लगा रहा हूं उसी को सिलेक्ट किया था, लेकिन तरीका तो था आपका एक्सटर्नल डेटा सोर्स का ना सर। दूसरा तरीका, आप अगर मान लीजिए किसी को फाइल भेजेंगे तो फिर वो उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके पास जी ड्राइव होगा नहीं, ये उसका फाइल डेस्कटॉप पे पड़ा होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास गेट डेटा में अदर सोर्सेज में यहाँ आपके पास क्या है, टेबल रेंज। तो आपको क्या करना, अब इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि आप एक एक करके और यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज को सेलेक्ट करके ओके करें। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे उसके बाद फिर वापस यहां पे हम क्लोज एंड लोड टू करते हैं, और यहाँ पे ओनली क्रिएट क्या करते हैं, कनेक्शंस करते हैं, ओनली क्रिएट कनेक्शंस। ठीक है, फिर वापस इसको सेलेक्ट करते हैं, डेटा में गेट डेटा फ्रॉम टेबल, देन ओके। डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती है तो यहां से हम ले लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, यहां से ले लेते हैं, फ्रॉम फाइल्स उठा लेते हैं, बट ये अदर सोर्सेज है ना हमारा सर, तो दिक्कत है इसमें। लोड एंड क्लोज करते हैं। ओनली क्रिएट कनेक्शंस, याद रखिए ओनली क्रिएट कनेक्शंस करनी है आपको, वन बाय वन एक करना होगा। तो सर बोलेंगे आप, सोचेंगे ऐसे इसको कॉपी पेस्ट कर लूं मैं, क्यों इतना झमेला कर रहा हूं? लेकिन आप ही देख पा रहे हैं कि यार लिंक हो रहा है, क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। कॉपी पेस्ट करने पे आपका लिंक नहीं होता, समझे सर? कॉपी पेस्ट करने पे आपका
लिंक नहीं होता। अब एक काम और कर सकते हैं हम, ओ सॉरी लोड एंड क्लोज आ गया है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर देते हैं फॉर्मेट एज, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ पे लाइट और यहाँ पे ओके। अब यहाँ टेबल का नाम टेबल सिक्स है, तो यहाँ पे हमने कर देते हैं टी अंडरस्कोर सिक्स। ऐसे ऐसे टेबल का नाम भी हम अलग अलग कर सकते हैं, और सेम यहाँ भी हम करते हैं और इसको टेबल यहां से भी इंसर्ट से भी टेबल करते हैं और इसका हम टेबल अंडरस्कोर सेवन कर देते हैं, टी अंडरस्कोर सेवन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग टेबल्स आ गए। ये आपका टेबल टू आ गया, टेबल थ्री, टेबल फोर, टेबल फाइव, टी सिक्स एंड टी सेवन। अब हम जाते हैं राइट क्लिक करके एडिट पे। समझे? अब देखेंगे कि सोर्स पे आते हैं। देखिए सोर्स दिख रहा है आपको, यहां पे ये फॉर्मूला है, सर दिख रहा है फॉर्मूला? यहां न्यू क्यूरी पे यहां से न्यू क्यूरी लेके आ सकते हैं। मान लीजिए न्यू फाइल हम कर देते हैं, यहां इसको कैंसिल कर देते हैं। न्यू ठीक है, और ब्लैंक क्यूरी में मैं यहां पेस्ट कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं टी अंडरस्कोर सिक्स। समझ में आया सर? तो इस तरह से भी क्यूरी आप लिख सकते हैं। तो यहां पे न्यू क्यूरी और मैं यहां पे अदर सोर्स में ब्लैंक क्यूरी सिलेक्ट करता हूं, तो एक नया यहां क्रिएट हो जाएगा जहां पे अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। तो किसी कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या रखा है कि एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक और नेम, नेम में कौन सा टेबल है, तो यहाँ पे टेबल का नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं कि टेबल फोर के जगह पे हम यहाँ पे टेबल सेवन कर देते हैं। और क्या चाहिए उसका, उसका कंटेंट चाहिए। समझे? यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे उसका यहाँ पे क्यूरी बनता है, और ये सोर्स में जब क्लिक करेंगे कि अप्लाई स्टेप होता है, ये स्टेप हुआ, इसके अंदर एक दूसरा स्टेप अप्लाई हुआ जिसमें इसने हेडिंग को क्या किया, हेडिंग को कन्वर्ट कर दिया, टाइप के सारे को कन्वर्ट किया, डेटा टाइप कन्वर्ट किया, ऑटोमेटिक कर लेता है। अब पांचों यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैं यहाँ अपेंड क्यूरी में जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? अपेंड एज ए न्यू, और यहाँ पे थ्री टेबल्स, थ्री एंड मोर, और यहाँ पे ऐड, यहाँ सॉरी टेबल क्यूरी तो ऐड हो गया, यहाँ पे रिमूव करते हैं, क्यूरी टू हो गया, टेबल टू ऐड, टेबल थ्री, टेबल फोर, इसके बाद क्यूरी वन, और सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर देना चाहिए, क्यूरी नीचे सबसे नीचे आना चाहिए, तो आप इसको इस पर क्लिक करके नीचे लेके आ सकते हैं एंड ओके क्लिक। ओके करने के बाद यहाँ आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज हमने किया, तो चीज यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, हम यहाँ पे न्यू क्वेरी पे डायरेक्ट जाके लिख भी सकते थे कि टेबल डॉट कंबाइन, टेबल वन थ्री फोर जितने टेबल को कंबाइन करना है, एक कंबाइन हो गया आपका। समझे? टी टाइप हो गया।
टेबल यहाँ पे लिख सकते हो कंट्रोल और गलती से टाइप हो गया सर। नहीं, कंट्रोल जेड का ऑप्शन नहीं, नहीं इसमें कह नहीं आता है सर, टेबल डॉट कंबाइन तरीके। कंबाइन ब्रैकेट में यहां पे लिख दीजिए आप टेबल वन टेबल टू टेबल थ्री, ठीक है। लेकिन फिर से दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा तब एक्टिवेट होगा। न्यू कर्ली ब्रैकेट में आपको सारे नेम लिखने होंगे, तो प्रॉब्लम था कि नेम में थोड़ा सा कंफ्यूज था इसलिए मैंने दोबारा रख लिया यहाँ पे। एक ही टेबल को दो बार भी यहाँ रिपीट भी हो सकता है तो ध्यान रखिएगा। सर इन्वर्टर कोमा में नहीं देना था, कर्ली ब्रैकेट में देना था सर आपको सर। अब मैं इसको ये हो गया, अब मैं इसको लोड एंड क्लोज करता हूँ, क्लोज टू यहाँ पे टेबल देन ओके। अब प्रॉब्लम हो गई, देखिए इसमें ये बाकी डेटा भी लोड हो गया सर, तो बाकी डेटा हमने कनेक्शन सिर्फ ये नहीं लिया था ना, इस कारण से लोड हुआ। नहीं नहीं लोड नहीं हुआ, कनेक्शन ओनली होना चाहिए था यहाँ पे। अब कोई बात नहीं, आप इन शीट्स को डिलीट कर देंगे ना, जो शीट्स आपके ये जो क्यूरी टू वगैरह लोड हो गई है उसको डिलीट कर देंगे तो फिर कनेक्शन ओनली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आज आपने सीखा कि आप पर्टिकुलर एक फाइल में किस तरह से डेटा को कंबाइन कर सकते हैं, एक फाइल के अंदर बहुत सारे डेटा है तो, ठीक है सर। अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके जी सर, मिलते हैं कल सेम टाइम।